हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर नर्ड्स। दिस इज सचिन सैनी और आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी स्ट्रिंग की नई प्रॉब्लम, जिसमें हम सीखेंगे किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कोई भी सब स्ट्रिंग कैसे हम रिप्लेस करते हैं किसी और स्ट्रिंग से। ठीक है, तो कुछ भी करेक्ट कोई भी अगर हमारे कैरेक्टर्स होंगे उनको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं किन्हीं और कैरेक्टर से, तो ये हम सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, आ चुके अपने VS कोड में। इसमें हमने एक नई फाइल क्रिएट कर ली रिप्लेस स्ट्रिंग डॉट HTML के नाम से, जिसमें हमने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक HTML का कोड लिखा और स्क्रिप्ट टैग के अंदर में जावास्क्रिप्ट लिखी। ठीक, तो इस जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले हमने क्या करा है, एक स्ट्रिंग ले ली है। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है, उसके अंदर हमने एक बेसिक से स्ट्रिंग डाल दी। आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसमें दो चीजें सीखेंगे। सबसे पहली चीज सीखेंगे कि अगर कोई भी सब स्ट्रिंग हमें रिप्लेस करनी है पहली बार में जो आई हुई है, सपोज करिए इसमें कोडिंग मल्टीपल टाइम आया, मतलब एक यहाँ पे आया और एक यहाँ पे आया, तो अगर हमें सिर्फ फर्स्ट टाइम वाला कोडिंग रिप्लेस करना है तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहली बार में वो देखेंगे। दूसरी बार कि जितनी बार भी कोडिंग आया है, मतलब जितनी बार भी सब स्ट्रिंग आई है, उन सबको कैसे रिप्लेस करेंगे वो सीखेंगे। ठीक, तो पहले फर्स्ट वाला देख लेते हैं। तो देखिए, जो हमने स्ट्रिंग लिया उसके ऊपर हमें मेथड कॉल करना है रिप्लेस। तो स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस कॉल करेंगे, ब्रैकेट में पास करना होता है हमें कौन सी सब स्ट्रिंग रिप्लेस करनी है, कॉमा लगा के किससे रिप्लेस करनी है। तो हमें कोडिंग को रिप्लेस करना है प्रोग्रामिंग से। तो क्या होगा, फर्स्ट वाला जो कोडिंग होगा वो रिप्लेस हो जाएगा प्रोग्रामिंग से। ठीक है, उसके बाद हमने प्रिंट करा दिया उसको। क्लियर, आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो एक काम करते हैं, पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो मैं अपना लाइव सर्वर ओपन कर लेता हूं, तो आपको आउटपुट दिखाता हूं। देखिए, कंप्यूटर नेट इज ऑसम प्लेस टू लर्न प्रोग्रामिंग। देखिए, कोडिंग यहाँ पे था, इसको रिप्लेस हो गया प्रोग्रामिंग से, लेकिन सेकंड वाला भी नहीं हुआ है। ठीक, तो इतना आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा प्रॉपर। ठीक, अब चलिए दूसरा वाला सीखते हैं किस तरीके से हम जितनी भी हमारी सब स्ट्रिंग आई होगी सबको रिप्लेस करते हैं। तो मैंने इसको कमेंट कर दिया कोड को, और इसको करते हैं नीचे थोड़ा सा। आप देखें, एक और चीज मैं आपको बता दूं। देखिए, हमने स्ट्रिंग कैसे लिखी यहाँ पे, देखिए हमने एक स्लैश स्लैश लगाया है। अब ये स्लैश यहाँ पे नहीं आ रहा है आपका, क्यों, ये स्लैश हमारा लाइन सेपरेशन के काम कर रहा है। बेसिकली हमने यहाँ पे मल्टीपल लाइन में स्ट्रिंग लिखी है, तो अगर आपको मल्टीपल लाइन में कोई भी स्ट्रिंग लिखनी है तो आप स्लैश लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको बिना स्लैश लगाए सेपरेट करूं तो एरर देगा ये। ठीक है, और मैं अगर अगर मैं यहाँ पे स्लैश लगा दूं तो मैं इसको तीन लाइन में लिख सकता हूँ इजिली। ठीक, तो इसको वापस से कर लेता हूँ मैं। अब चलिए देखिए, तो एक वेरिएबल लेते हैं, लेट न्यू रिजल्ट। ठीक है, न्यू रिजल्ट में क्या कर स्टोर करते हैं, स्ट्रिंग को कराते हैं स्प्लिट। तो जैसा हमने पहले वीडियोज में सीख लेते हैं स्प्लिट कैसे हम यूज करते हैं, तो देखिए स्प्लिट के अंदर अगर हम स्प्लिट, आपको पता ही एरे में कन्वर्ट कर देता है, तो अगर हम स्प्लिट कर रहे हैं स्ट्रिंग को बेस्ड ऑन स्पेस, तो ये क्या करेगा, बेस्ड ऑन स्पेस सेपरेट कर देगा उसको। तो ये होगा एरे की जीरो इंडेक्स पे, ये फर्स्ट इंडेक्स पे, ये सेकंड इंडेक्स पे, किस तरीके से, देखिए कॉमा से कॉमा लग जाएंगे, स्पेस हट जाएगा। दिखाता हूँ आपको आउटपुट, तो पहले प्रिंट करा लेते हैं तभी आपको आउटपुट दिखा दिखेगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट न्यू रिजल्ट। ठीक है, और ये कॉमा लगाने का मेरा मतलब था बेसिकली यहाँ पे एरे में कन्वर्ट हो गया है ये। ठीक, मैं अगर आपको यहाँ पे कंसोल में दिखाऊं तो इसकी एरे पे मत जाइए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक काम करते हैं, कंसोल यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं, या हम यहाँ से भी देख सकते हैं। तो अगर मैं लूँ यहाँ से न्यू रिजल्ट, तो देखिए एक एरे बन गई है। देखिए कंप्यूटर नर्स सेपरेट आ रहे हैं, सब एरे ऑफ स्ट्रिंग बन गए बेसिकली। ठीक, समझ गए, तो यही हमारा प्रोग्राम है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको हटा लेता हूँ, वापस से VS कोड में आते हैं। हमने इसको स्प्लिट कर दिया, इतना तो आपको आ गया। अब सपोज करिए मैं इसको कोडिंग से अगर मैं स्प्लिट करूं तो क्या होगा, कोडिंग के बेसिस पे ये स्प्लिट करेगा इसको। ठीक है, तो मैं आपको पहले आउटपुट दिखाता हूँ, फिर देखिए कोडिंग गायब हो गया होगा। हाँ देखिए, अब ये सेपरेट होगा बेस्ड ऑन कोडिंग। तो अब मैं आपको जरा वो दिखाऊं, आपकी F12 में जाके
आपका कंसोल देखा, मैं दिखाते हैं न्यूज रिजल्ट। तो देखिए एरे की जीरो इंडेक्स पे क्या आ रहा है, पूरी स्ट्रिंग आ रही है इतनी बड़ी, ठीक। फिर उसके बाद एक कॉमा आ रहा है जहां पे कोडिंग था, वो बन गया इसका सेपरेशन पार्ट, मतलब मुझे यहां से सेपरेट करना है, उससे पहले का मुझे एक इंडेक्स में जाना है, ठीक। फिर उसके बाद इतना पार्ट आ गया दूसरे मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे बेसिकली, ठीक है। फिर उसके बाद वाला पार्ट आ गया सेकेंड इंडेक्स पे, क्लियर। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि इसने सेपरेट कर दिया जहां जहां पे कोडिंग आ रहा है उसको, उसके हिसाब से, ठीक। अब इसी का यूज करके हम इसको ज्वाइन करा सकते हैं, तो हम लिखेंगे ज्वाइन और ब्रैकेट में डाल देंगे जिससे हमको रिप्लेस करना है। तो हमें रिप्लेस करना था प्रोग्रामिंग से, और मैं इसको कर दूंगा सेव, और मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल आउटपुट। तो देखिए हो गया रिप्लेस, कोडिंग हो गया रिप्लेस अब प्रोग्रामिंग से, ठीक है। दो बार हमने लिखा था कोडिंग, दोनों बार प्रोग्रामिंग आ गया, क्लियर। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ कमेंट में जरूर बताना वीडियो को कैसा लगा है। एक और बात मैं बताना चाहूंगा, ये जो सीरीज है उसको एक ही जरूर कर लीजिएगा, इसमें मैंने बिगनर टू एडवांस लेवल की सारी प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ, ठीक है। डेली से वीडियो आती है, ठीक। इसको एक्सेस कर लीजिए, इसको करिए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन होगी आपकी, और आपकी जावास्क्रिप्ट भी आप प्रॉपरली समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।